नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कल हुए आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2017 के मैच के रिजल्ट के बारे में। हाँ दोस्तों, कल कौन सी टीम के बीच मैच खेला गया था और इस मैच का रिजल्ट क्या निकला और ये मैच का जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है वो किसको मिला, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि कल मैच का डेट और वार था 29 जून 2017 गुरुवार, और मैच की टीम थी वेस्ट इंडीज वुमेन और इंडिया वुमेन। यह कौन सा मैच खेला गया था, यह 7वां मैच खेला गया था। मैच का टॉस किसने जीता, मैच का टॉस इंडियन वुमेन ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, कल का मैच का रिजल्ट क्या रहा। कल के मैच का रिजल्ट रहा कि इंडियन वुमेन ने यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। कल के मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको मिला, कल के मैच का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड स्मृति मंदाना को मिला। उन्होंने 108 बॉल पर 106 रन बनाए थे और वो एंड तक नॉट आउट रही थी। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन और इंडियन वुमेन के टोटल स्कोर के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन का टोटल स्कोर रहा 183 रन, 8 विकेट खोकर 50 ओवर के अंदर। इंडियन वुमेन का टोटल स्कोर रहा 186 रन, 3 विकेट खोकर 42.3 ओवर के अंदर। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन और इंडियन वुमेन के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज वुमेन के कैप्टन के बारे में। इनके कैप्टन का नाम है स्टेफोनी टेलर और विकेट कीपर का नाम है मेरिसा अगुलेरा। अब हम बात करते हैं इंडियन वुमेन के कैप्टन और विकेट कीपर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन वुमेन के कैप्टन के बारे में। इनके कैप्टन का नाम है मिताली राज और विकेट कीपर का नाम है सुषमा वर्मा। तो दोस्तों, ये था कल के मैच का रिजल्ट। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।